जय माता की। कैसे आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं है। देखिए कितना अधूरा अधूरा सा चेहरा हो गया माता जी ने कर दिया। और उस दिन गए ना रजनीखंड, तो पता नहीं धूल से है कि धूप से है, तो परेशान हो गए। छोटे छोटे दाने भी निकल आए पूरे चेहरे पे, देखिए कैसे दिख रहा है, तो निकल आया। और अब काली माता बन करके हम बैठ गए, क्योंकि सुबह से अभी टाइम मिला और टाइम हो रहा है 10:30 बजने वाले हैं। सुबह से तो आप लोगों को पता है कितने सारे काम हो जाते हैं, तो राजमा बनाई, चावल बनाई, रोटी इनके लिए पूरा खाना रेडी की, और सुबह शाम के लिए हमने खीर भी बना के रख दिया, क्योंकि ज्यादातर शाम के लिए जितना अभी कर लूंगी ना उतना ही ठीक है, क्योंकि आज तो गर्म पानी भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेना है, तो बहुत ही मुश्किल है। और इतना काम करने के बाद भी अभी हमको जाना कहाँ है, और कहाँ जाना है, वही जाना है प्रियम प्लाजा, क्योंकि मैं उस दिन चावल का आटा और सीख नहीं लाई हूँ, सो लेने मुझे जाना है। कल तो पतिदेव जैसे ही आए, मैंने सोचा उनसे कह देती हूँ तो ले आते हैं, लेकिन मैं फोन करना भूल गई, और वो जैसे फोन उठाई वो घर पे आ गए। तो कोई बात नहीं है, सब कुछ तो मुझे ही करना है, हर हर समय मैं ही करती हूँ, उनसे मैं ज्यादा हेल्प नहीं लेती हूँ, नहीं परेशान करती हूँ, क्योंकि वो कभी नहीं करते हैं, वो सिर्फ मनी देते हैं, पूरा काम हम ही को करना पड़ता है। तो ये चेहरे में ना कल से मुझे इतनी जलन है कि बता नहीं सकती हूँ, इतना दर्द है अजीब अजीब सा। अब पता नहीं इन्फेक्शन है, क्योंकि देखिए हम कोई ना फेशियल ना कुछ क्लीनअप कुछ भी नहीं कराती हूँ, और पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। तो वो धूल से ही एलर्जी हुई है, धूल ही हुई। अब मैं क्या लेकर के बैठी हूँ, इसकी दवा क्या है, एलोवेरा लेकर के बैठी हूँ। ये देखिए मैंने इसको गमले में ही लगा रखा है, हमेशा मैं ऐसा करती हूँ, ठंडियों में हो या गर्मी में हो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती ना तो एलोवेरा ही अपने चेहरे पे लगाती हूँ। ये देखिए मैं लगा रही हूँ, मेरी क्रीम और मेरा फेशियल मेरा मेकअप यही है, लेकिन ऐसा नहीं है सबको ये सूट नहीं करता है, सिर्फ मुझे ही सूट करता। मैंने काफी लोगों को बताया भी ना, तो सभी कहते हैं कि हमको नहीं सूट करता है, लेकिन हमारा तो अभी आप यही समझ लीजिए कि करवा का मेकअप है। मैं आप लोगों के सामने आज पहली बार मेकअप आपको दिखा रही हूँ कि करवा लुक मेकअप है। मुझे तो ऐसे कोई मेकअप ही नहीं आता है, ना तो मैं मेकअप करती हूँ, सो तो सभी मेरे परिवार के सभी लोग जानते हैं कि मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, और गर्मी में है तो पाउडर है, और ठंडी में है तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई क्रीम का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो सुबह से वही पूजा पाठ के बाद खाना पीना के बाद ही मैं अभी खाली हुई, तो जाने का भी टेंशन है कि मुझे अभी 10:30 बजे वहीं जाना भी है। अब देखिए किसके साथ जाती हूँ, कोई ना कोई माता रानी हेल्पर दे ही देंगी। थोड़ा सा ना अकेले जाने में, अभी तक तो अकेले खूब जाती थी, लेकिन जब से कोरोना हुआ ना तब से अकेले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, अजीब सा लगता है, और इतना बाहर निकलती भी नहीं थी, और पहली बार ही मतलब इतना मुझे 5-6 दिन से दौड़ भाग करना पड़ा ना, उसी की वजह से सब ये चीजें हो गई। और सर्दी लगी है तो पति देव की देन है, गिफ्ट पति देव हमको पहले ही दे दिए करवा गिफ्ट ना, वैसे भी बाद में देते थे कुछ ना कुछ ला करके, लेकिन इस बार करवा गिफ्ट इन्होंने पहले दे दिया। और कैसे दे दिया, हम जा रहे थे रानी के यहाँ, और जब आई ना मायके से तो बहुत ही इनको सर्दी थी, रानी के यहाँ इनके साथ गई गाड़ी से, और इनकी सर्दी मुझे लग गई। तो मैं जब कहती हूँ ना कि आप ही की सर्दी मुझे लगी है, तो मानने को तैयार भी नहीं है, कह रहे नहीं हमारी सर्दी नहीं लगी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा एलोवेरा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ, नहीं टाइम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इतने सारे काम हैं। फरा तो मीना रेडी कर लेगी, और अभी कढ़ी चावल ये सब शाम के लिए बनाना, वैसे मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी ना, मुझे सब कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, आप लोग कुछ भी समझो, लेकिन अब अम्मा ही हिम्मत दे रही है माता रानी कि मुझे सब करना है तो करना है, लेकिन मन अजीब सा होता रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम सबको हिम्मत दे रहे हैं, खूब अच्छे से पूजा करना चाहिए, हमारा साल भरे का त्योहार है और ज्यादातर पतियों का है, तो पत्नियां कितना व्रत करती है पतियों के लिए, फिर भी ना पति देव ना कभी कभी जब ऐसे ऐसे गाल फुला के रखते ना, तो कितना अजीब सा लगता है। हमारे तो पति देव वैसे भी नहीं ज्यादा हंसते बोलते। एक कल किसी ने मुझे कहा, मेरी अपनी है पास में रहती है, कह रहे भाभी भैया के साथ मतलब आप वीडियो बनाइए हमको दिखाइए ये वो, तो मैंने कहा ना भैया आप ऐसे है ना कि उनको नहीं अच्छा लगता, वो कहते हमको मत लाइए, आपको जो करना है सो करिए, हमको अपने वीडियो के बीच में मत लाया करिए, जो मैंने पहले दिखा दिया सो ठीक है, लेकिन उनको खुद भी नहीं पसंद है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो कहती नहीं आप मेरी तरफ
से भैया से बोल दीजिए तो भैया खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है प्रयास करूंगी, लेकिन वो भैया इतनी जल्दी खुश होने वाले नहीं है, वो किसी का कहना नहीं मानते, वो सिर्फ अपना ही सुनते हैं, हमारा तो इतने सालों से सुने नहीं है तो वो क्या सुनेंगे। आज तक ना कभी पिक्चर हॉल मॉल पिक्चर दिखाना, ना कहीं मॉल ले जाना, ना कुछ शॉपिंग कराना, ना कहीं कुछ, तो हम उनसे अब क्या उम्मीद रखें। तो इसीलिए ना हर प्रकार से ना संतोष रखना चाहिए, संतोषम परम सुखम। अब हमें तो पूरा विश्वास हो गया है कि सब संतोष करो ना तो अपने आप ही मिल जाता है, भले वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से माता रानी हमारी व्यवस्था कर देती है। जो कुछ हमको चाहिए गिफ्ट और जो भी सामान चाहिए मायके से है और वही खुद ले आते हैं, सब चीजें हो जाती हैं। तो हम जैसे ही थे ना वैसे ही फोन उठा लिए, अभी तो कपड़े पहन करके ही मार्केट जाना है। देखो साड़ी डालती हूँ कि सूट डालती हूँ, वैसे तो ठंडी आ गई ना तो ठंडी में ज्यादातर हम साड़ी ही डालेंगे क्योंकि साड़ी ही अच्छी लगती है। और अब माता जी का समय भी आ रहा है भिक्षा वाला, कुछ ही समय बचे हुए हैं, मात्र एक महीना जब से हमको भिक्षा मांगना है, पूरा 15-20 दिन, तो साड़ी तो पहनना सीखना ही पड़ेगा ना, साड़ी पहन करके चलना। तो सूट पहनो ना तो साड़ी हम लोग भूल जाते हैं कि हमको साड़ी कैसे पहनना कैसे। तो सूट में तो वैसे भी बहुत ही आराम रहता है लेकिन साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है हमको। तो साड़ी पहनना ससुराल में भी और साड़ी मायके में तो बहुत कम पहनती हूँ साड़ी, आप लोग तो देखते हो, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि आप मायके में सभी लोग कहते हैं कि जब साड़ी डालते हो तो अच्छे लगते हो सूट पे नहीं, लेकिन मैं अपने आराम के लिए डालती हूँ ना, मुझे ना तो सूट में ज्यादा आराम मिलता है। सो सभी को आराम मिलता है, आप लोगों को भी आराम मिलता होगा सूट में, सूट तो एकदम से कम कैसे भी रहो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो चलिए बातें नहीं करती हूँ, और आप लोगों के तो पतिदेव बहुत ही अच्छा अच्छा गिफ्ट लाए होंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं किसी से मिलती थी तो वो लोग बोलती थी कि हमारे लिए हमारे पतिदेव ये गिफ्ट लाए हैं। तो मेरे पतिदेव को ना ज़्यादातर कोई शौक नहीं था, वो कभी कभी बाद में ही मुझे गिफ्ट देते थे, पहले मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते थे। तो चलिए मैं मन में सोचती थी कि चलिए कभी ना कभी माता रानी वो मेरे लिए भी लाएंगे, लेकिन मन में सोच लेती थी तो कभी ना कभी ले भी आते थे, ऐसी बात नहीं है, लाते थे देते थे करते थे सब कुछ करते थे। तो अब ज़्यादा बातें अगर कर लूँगी ना तो कड़ी अभी कौन बनाएगा, और टाइम भी हो रहा है ना, तो मुझे भी जाना भी है और इतनी सारी तैयारी करना, आप लोग तो जानते हैं कि माँ ही शक्ति देती है। बताइए मैं कभी कभी भूल जाती हूँ चना और चाय पीने के बाद कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, और शाम को सोचती हूँ कि क्या मैंने दिन में खाना खाया है, फिर भी मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता है कि मैं कैसे चलती हूँ कैसे काम करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। तो यही अभी देखिए चाय पानी कुछ भी नहीं ली और आप लोगों से इतनी बात भी कर ली और इतना सारा काम भी किया और आगे भी पूरा दिन काम करना है, कमर सीधी करने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं किसी को इतना नहीं बता सकती हूँ, मेरी माँ सब जानती है, वो मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती है कि मैं क्या कैसे बोल रही हूँ। तो वैसे तो बुद्धेश्वरन की उस दिन की बात मैं आप लोगों से चलिए अभी बता देती हूँ। मैं मंदिर में गई दर्शन करने, मेरे साथ सभी लोग गए थे दर्शन करने, प्रीति मीना सब लोग थी। ये जैसे ही सब लोग बाहर निकली तो मतलब बाहर पूजा करने लगी, हम थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो बनाने लगे। जब वीडियो बनाने लगे तो एक महात्मा जी वहीं पर थे, उन्होंने कहा बेटी आप ऐसा क्यों काम कर रहे हो। मैंने कहा क्या महात्मा जी। बोले भगवान से आप अपेक्षा करके अपनी वीडियो बना रहे हो, आप सुंदर हो कि भगवान सुंदर है। तो हमने कहा कि भगवान जी सुंदर है, तो कहे आप उनसे क्यों ऐसा जोड़ रहे हो। तो मैंने कहा माता रानी से मेरा रिश्ता है, माता रानी तो मैंने जोड़ा है, लेकिन उनके साथ साथ मुझे भोले बाबा भी बहुत पसंद है, मैं भोले बाबा को भी जोड़ ली हूँ। तो बोले मैं ये हम ये नहीं कह रहे हैं आप उनके साथ वीडियो मत बनाए, ये नहीं बनाना चाहिए, ये सब गलत है। तो मैंने कहा मुझे मेरी माँ ने आदेश दिया है। बोले क्या आदेश दिया है, आप माँ की अपेक्षा अपने से कर रही। मैंने कहा नहीं नहीं मैं माँ थोड़ी हूँ, माँ तो मेरी कोई और है, आदिशक्ति जगत जननी, लेकिन हाँ मैं अच्छी नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मेरा मन सुंदर है। तो महात्मा जी बोले कि बिटिया आप धन हो। फिर उन्होंने हमको प्रसाद दिया, बहुत बड़ा मेवे का लड्डू दिया प्रसाद में, और कुछ और भी दिया, गुप्त रूप हमको दिया। हम अब किसी से नहीं ज्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ, जो मुझको मिला मैं किसी से नहीं बता सकती हूँ। तो वो सब ईश्वर भोले बाबा का चमत्कार है जो मुझको मिला, और जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था आदा शक्ति ने मुझे सब कुछ दिया। सबसे अच्छा तो अपना परिवार है, सबसे अच्छा अगर परिवार अच्छा मिल जाए तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल गया।
संतो आप फिर है, हम लोगों के अंदर है, संतोषम परम सुखम। अगर संतोष है ना तो सब कुछ है। अगर मैं कहती हूँ ना कि करवा में कभी हमको गिफ्ट नहीं लाते थे, लेकिन संतोष करती थी और अपनी माँ से कहती थी, तो वो भी ले आते हैं कभी ना कभी, आगे पीछे तो गिफ्ट आ ही जाता है, शुरू में नहीं आता तो क्या हुआ, पीछे तो आ ही जाता है। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं, मनु और कृष्णा गोविंद ऊपर नहा रहे हैं और सासू माँ लगी हुई है नहलाने में। और हमारी भी सासू माँ बहुत ही अच्छी है, पूजा पाठ करने के बाद ना बच्चों की हेल्प कर देती है, नहलाना धुलाना उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। तो वो तो है ही है, हर घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, लेकिन कभी मन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा सबके प्रति अपने अच्छे भाव रखना चाहिए। कितना भी हमारे परिवार में कैसे भी लोग हैं, लेकिन उनके प्रति हमको गलत भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने गलत भाव रख लिया तो आपकी पूरी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। वो कितना भी कोई आपका सामने वाला आपके लिए गलत सोचे, गलत कहे, आपके परिवार में कितना भी कोई कहे कि अगर ये हमको छूती है तो हमारे रोवे कन मनाते हैं, अगर इसकी मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है तो मेरी नज़र मतलब अजीब सा मुझे होने लगता है। तो अगर आपके परिवार में ऐसा कोई कहता भी है ना, तो कभी भी मन में मत रखिएगा इस बात को, खूब खुशी खुशी इस बातों को सुनिए कि ये माँ ही की परीक्षा है, हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और कोई कुछ भी कहे, खूब झोली फैला करके लीजिए, इसमें आपका इतना सुकून मिलेगा, ये करके देखिए। उसके सामने कुछ भी ना कहिए, ना कहने की ज़रूरत है, ना बड़बड़ाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। माता रानी आपको इतनी शक्ति देंगी कि सब कुछ सहने की, सब कुछ बर्दाश्त करने की, अपने आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि बता नहीं सकती हूँ। सो मैं भी आप लोगों की तरह थी कभी ऐसी, लेकिन आज मुझे माँ ने इतनी सब कुछ शक्ति दिया कि मुझे लगता है कोई कितना भी मुझे गाली दे, कोई कितना भी मुझे उल्टा सीधा कहे, मुझे खुशी खुशी उन सब बातों को लेना है और हंस करके रहना है सबके सामने। कभी अपने कितने भी गम हो, अपने गम को जाहिर नहीं मुझे करना है, सब लोगों से ये नहीं कहना है कि आप मुझे बहुत ही परेशानी है, मैं रो रही हूँ, ऐसा मत कहिए। भगवान कहते हैं कि मैं तुझ पर इतने सारे गम तुझे दे रहा हूँ, तो खुशी खुशी कैसे रहती है देख। तो वो सब मेरे ऊपर हुए हैं, मैंने इतने इतने गम, मैंने सब चीज़ों का मैंने ऐसे बर्दाश्त किया है। और आज शक्ति माँ ही मुझे सब कुछ हिम्मत ताकत आज पहले भी दी है और आज भी दे रही है। और वही मैं सब आप लोगों से बता रही हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ सजने संवरने खाने पीने का बनाने का कोई इतना शौक नहीं है। माँ ने जो मुझे हिम्मत और ताकत दिया है, वही ताकत मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ, हिम्मत दे रही हूँ, ताकत दे रही हूँ। और देखिए चेहरे में ना एलोवेरा लगाते लगाते ना थोड़ा सा जो मुझे अजीब सा खिंचाव सा हो रहा था ना, और आप लोगों को शायद ना दिखते हो, बहुत छोटे छोटे से दाने हैं। पहले तो मैं सोची ना कि माता रानी निकल आई क्या, अभी तक आज तक मुझे माता रानी निकली नहीं है। एक बार हुआ था मेरे परिवार में सभी को निकली थी, ये बहुत ही लंबी कहानी है, फिर मैं कभी आप लोगों से बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करना है और अभी तैयार भी होना है। तो चलिए अब मैं बाद में मिलती हूँ, माता रानी तो नहीं है लेकिन और कहीं शरीर में नहीं, सिर्फ चेहरे बस में है, तो हो सकता है उन्हीं का दरस आया हो, लेकिन आज काफी मुझे आराम है। लेकिन अब इतनी सारी तैयारी करना, धूप में भी जाना है, कुछ भी हो ठीक हो जाएगा, सब माँ पे मैं माँ की कृपा है, माँ पे विश्वास करती हूँ, तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मुझे कहीं दिखाने और लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एक बार मुझे इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे, मैंने धूप में काम किया था, तब बहुत सारे काम होते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं काम, तो बहुत सारे सासू माँ के साथ मैंने डिब्बे धुलाया था और धूप में बैठे बैठे ऐसे फफोले पड़ गए थे, जैसे जलने के फफोले नहीं होते वैसे फफोले। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले आपको धूप से एलर्जी है, तो धूप से बचाती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने सारे काम करना है कौन करेगा, मेरे साथ तो इतना कोई वो भी नहीं है, मुझे तो माता रानी इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं चार चार नौकर भी रखूँ ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, माता रानी नौकर नहीं दिए हैं तो क्या हुआ, माता रानी मुझे तो शक्ति दी है, मुझे तो हिम्मत ताकत दिए हैं। सो मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर पैसा हो ना हो, अगर हिम्मत है अपने पास, पूरी ताकत है और माँ पे विश्वास है, तो जुटे रहिए हर कार में, और हर कार में आपकी सफलता होगी। कभी ये नहीं होगा कि नहीं सफल हुए हैं, ये कार आप करके देखिए। तब आप मेरे चैनल को देखते हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, ये माँ का चैनल है, ये माँ का चैनल मान करके चलिए। और फिर देखिए कितने भी आपके अधूरे काम हैं ना पूरे हों तब कहिएगा। अच्छा चलिए सिद्धार्थी माता का नाम लेती हूँ, अब काम में जुट जाती हूँ, और काम में जुटने के बाद जब जाती हूँ ना तब आप लोगों से मिलती हूँ।
अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और मनु गोविंद बैठे हुए हैं, शानू भी बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं तैयार होने, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। फिर आपसे मिलती हूँ। मेहंदी तो आप लोगों ने देखा ही, और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा दिया प्रीति ने। देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लगाया। सो मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि प्रियम प्लाजा में मेहंदी लग रही थी तो पहले मैंने सोचा कि लगवा लेती हूँ, लेकिन छोटी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था और घर से उसका फोन के ऊपर फोन आ रहे थे। तो जैसे मैं आई ना, मैं प्रीति से बोली कि चलो चलते हैं मेहंदी लगवाते हैं। तो प्रीति कहती दी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, आप कीप निकालिए, मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो प्रीति ने तुरंत मेहंदी भी लगा दिया और अब जा रही है, थोड़ा सा सब हेल्प पूरी कर रही है। मटर छील के रख दी, सो आपने देखा ही, और अब जा रही है पनीर बनाने और भी बहुत सारे आइटम। मीना भी बना रही है फरा और चावल का लड्डू। तो बहुत सारी यहाँ तैयारियां चल रही है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं इस बार तो माँ बहुत ही खुश है कि सब लोग आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। थोड़ा मार्केट गई ना, तो इस वजह से गला थोड़ा सा सूख रहा है, अजीब सा हो रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे काम करना था, बाकी थे मार्केट के। तो प्रीति को नहीं ले गई थी क्योंकि रियांश बहुत ही परेशान करते हैं और बार बार गोदी में लेना वो करना, वो तो आप लोग देखते ही हैं। प्रीति कुछ बोलो, प्रीति तो बस सुन रही है, शर्मा रही है और मुझे कहती है आप क्यों पल्लू ले लेते हो। हमने कहा शुरू में क्या करूं, कहीं भी याद नहीं रहता तो कहीं नहीं लेती हूँ और कभी याद रहता तो ले लेती हूँ। मैंने कहा आप तुम लोग तो इतना वहां रहते हो बॉम्बे में, सब खुला रहते हो, क्योंकि हमारी हम तो बताते हैं ना कि हमारी चाची बहुत ही अच्छी है और वो कभी मतलब ये कुछ नहीं है, हाँ सब पहनती हैं और हम खुद ही जाते हैं। तो चाची कहती है अरे बहुत ये लोग लेते हैं सर पे पल्ला, तो भी थोड़ा सा अपने को अच्छा नहीं लगता। चाची खुद ही कहती है कि पल्लू हटाओ, क्यों ऐसा पल्लू लेके चल रहे हो। सब लोग कहते हैं कि अरे कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ऐसे सर पे पल्लू ले रहे हैं। दरवाजा बंद कर, जीने से ना पापा जी आ रहे हैं ना नीचे को, तो उनको थोड़ी पता, वो कहेंगे किससे फोन में बातें कर रहे हैं। चलिए तो अब हो सकता है मेरा ब्लॉग काफी लंबा हो जाए, तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ और आगे की करवा की तैयारी। अब मिलते हैं हम आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता की।